अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। सो स्टार्ट करते हैं, सब चलते हैं हम बनाने की तरफ। तो आप देखते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें नमकीन गोश्त बनाने के लिए। हमें चाहिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, उसको उनका छिलका उतार के मैंने 1 टमाटर को 4 हिस्सों में रख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये वाली चम्मच यूज़ कर रही हूँ इन चीज़ों को मैयर करने के लिए। यहाँ पे सब्ज़ धनिया कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और यहाँ पे मैंने लिया है गोश्त। यहाँ पे मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने मटन लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से धो लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है ऑयल। सो चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लें, बस इतनी सी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको कुकर में बना रहे हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी बन जाता है। और हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम 1 कप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके अंदर हम बाद में बाकी चीज़ें डाल देंगे। और याद रखिएगा, कुकर में बनाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आप पतीला वाला यूज़ करें, उस पर आटे वाला लगाएं। सो हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट, और अब हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच जो कि मैंने बताया था आपको, अदरक का पेस्ट। अब इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाना है और हमने 3 से 4 मिनट तक इसको सोते करना है, ठीक है। मतलब हल्की आंच पे करना है, ज़्यादा स्पीडफुल नहीं करना, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, ये ना बिल्कुल ब्राउन हो जाए, ठीक है। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इसकी ये इस तरह हो जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है अपना मटन धुला हुआ, और उसको डालने के बाद हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, ये है कि हमने ठंडा फ्रीज हुआ गोश्त नहीं डालना, ठीक है। हमने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, वरना जो गोश्त होता है वो गलता नहीं। अब हमने इसको उस टाइम तक हिलाते रहना जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद हमने जब इसको अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी चीज़ें जो हमारे पास हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हिलाते वक्त ये नहीं कि आपको ओवर कुक करने लग जाए। अब इसमें हम लोग बाकी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि हमने इसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर को छील के डालना है, ये नहीं कि छील के साथ डाल दें। हमने काली मिर्च यहाँ पे आधी डाली है, और आधी हम लोग बाद में डालेंगे जब हम इसकी बुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज गोश्त का अपना नमक भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा आप इसको। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। हिलाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने इसको पकाना नहीं है ज़्यादा, आपने इसको 2 या 3 मिनट बस इसको अच्छे तरीके से नीचे स्पीड मैंने बिल्कुल फुल नहीं की हुई, मैंने हल्की स्पीड रखी हुई है। हमने इसे 2 से 3 मिनट हिलाना है, हमें ज़्यादा इसको पकाना या भूनना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एंड पे ये काम करेंगे। उसके बाद जब हमने इसको 2 या 3 मिनट के बाद हल्की आँच पर इसको भून लिया, उसके बाद हमने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने 1 कप डाला है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बिकॉज आपने प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और ये उसकी भाप में खुद ही बन जाएगा। इसके बाद हिलाने के बाद आपने कुकर को बंद कर देना है, और कुकर बंद करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि बार बार दरमियान से खोल के देखना है गल गया नहीं गल गया। आपने इसे टोटल जो है वो आधा घंटा रखना है। फर्स्ट जब सीटी बज जाए उसके बाद आपने स्पीड को आहिस्ता कर देना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, इसी गैस में नेचुरल तरीके से निकली है, और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो टमाटर में पानी है वो है। आपने अब इसको हिलाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने चूल्हे की स्पीड जो है वो नॉर्मल कर लें, क्योंकि गोश्त वाला बिल्कुल आपका गल गया, बस आपने इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो भून देना है, ख़त्म कर देना है उसे। अच्छा, इसमें जो बची हुई काली मिर्च थी मैंने वो भी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से हिला लिया, और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं है। अभी अच्छी तरह से भुन गया, और जो टमाटर वगैरह थे वो सब कुछ अंदर ही बिल्कुल मैश हो गए, तो हमें नज़र भी नहीं आ रहे, इतने मज़े के बन गए। सो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। सो अब मैंने प्लेट रखी है, और यकीन माने ये बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको कभी भी गर्म करके खा लें, लेकिन जो मज़ा इसका ताज़ा बना के खाने का है ना। और आपके घर में गेस्ट आ गए, कुछ बन नहीं रहा, इसको बस जल्दी से बनाएं, सब कुछ कुकर में डालें और बना कर उनके सामने पेश कर दें कि जी हमने आज पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया है। अच्छी सी गार्निशिंग करें और आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, कुछ नया खिलाएं मेहमानों को। अब मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है, अपने मेहमानों को कुछ नया खिलाएं और वाह वाह करवाएं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते हैं। देख सकते हैं मिनटों में जो है वो हमारा मज़ेदार पेशावरी गोश्त तैयार है, और देखिए कितना अच्छा गल गया। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।